अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बिनते सईद लाइफ स्टाइल। शुरुआत अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे अपने रब को याद करने की, और अल्लाह पाक सबकी परेशानियां दूर करे, हर दिन सबका इतना प्यारा और अच्छा हो। अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करे, जो अल्लाह को दिल से याद करे अल्लाह ताला उन्हें हर खुशी दे, जो वो मांगे जायज़ ख्वाहिश उनकी अल्लाह ताला पूरी करे, और सबके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो। अल्लाह पाक सबको जो जो परेशानियाँ सबकी अल्लाह पाक दूर करे। और फिर बस उसके नमाज के बाद थोड़ी देर मैं रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद हाउस हेल्पर के आने से पहले जो जो थोड़ा बहुत सामान बिखरा होता है ज़ाहिर घर में, तो उसको मैं सेट कर देती हूँ ताकि वो आए तो ईज़ीली वो अपना क्लिनिंग का काम कर ले। बाकी डस्टिंग वगैरह मैं ख़ुद करती हूँ, तो जब मैंने ना भी करनी हो ना तो फिर वो कर देती है कोई भी काम। उसको बोलो बहुत अच्छी आंटी हैं, उनकी बेटी आती है, कभी आंटी भी आ जाती हैं, तो उनकी बेटियां हैं तो आंटी कभी एक बेटी को भेज देती कभी दूसरी को, तो बहुत अच्छी हैं तो वो कर देती हैं। बाकी मैं अपने काम खुद करती हूँ। तो ये रात कपड़े धोए थे तो मैंने सोचा इनको उतार लूँ, सूख गए। फिर इनको ये है ना कि जो रखने वाले होते हैं वो रख लेती हूँ, और जो प्रेस के लिए भेजने होते हैं वो मैं दे देती हूँ। तो इसलिए फिर अभी ये लेकर अंदर चलते हैं। ये टेरेस में ना ये झूला मैंने लगवा लिया था, बच्चे इसमें बैठ के एंजॉय करते। अब तो पेपर हो रहे थे तो कोई भी नहीं इतना, और ये थोड़ा सा धूप से ख़राब हो रहा है, फिर मैं इसको अच्छा सा बनवाऊंगी। तो बस अभी मैं अलग अलग कपड़े कर रही हूँ, जो तय लगा के रखने वाले वो मैं अलग रख रही हूँ, और जो थोड़े मतलब इस तरह नॉर्मल कपड़े होते हैं वो मैं घर में ही प्रेस कर लेती हूँ। बाकी हस्बैंड के कपड़े और कुछ कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो मैं प्रेस के लिए बाहर देती हूँ, तो इन सबको चले अलग अलग कर लेते। अगर ये उतारने के फौरन बाद ना इस तरह सेट करके रखो ना तो फिर इसमें बहुत सारी शिकने आ जाती हैं। चलिए अभी बेटे के रूम में बेडशीट चेंज करनी थी आज मुझे, तो वो मैं कर लेती हूँ। और इतना इजी इसका तरीका है बेडशीट चेंज करने का, पहले मुझे भी नहीं पता था, फिर मैंने मुझे मेरी हाउस हेल्पर थी पहले तो उसने मुझे बताया था। तो ये इतनी ईजीली इस तरह चढ़ जाती है, जितना भी हैवी गद्दा हो ना तो उस पर आराम से ये मतलब बेडशीट अकेला बंदा भी चढ़ा लेता है। तो इसी पिलो से मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। ये मेरे बेटे के टॉय, बाकी तो सब उसने मतलब जान पहचान में और रिलेटिव बच्चों को दे दिए, लेकिन कुछ टॉयज उसके इतने दिल के करीब है कि वो उनको नहीं, अब बड़ा भी माशाल्लाह हो गया है लेकिन वो बिल्कुल भी इनको नहीं अपने से अलग करता। कुछ उसकी गाड़ियों की कलेक्शन है और कुछ ये वाले टॉय, तो ये रहते। ये देखिए ये चारों तरफ हम इस तरह नॉट लगा के ना, तो ये आप यकीन करें कि पूरा दिन बेडशीट बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, कहीं से भी ये नहीं खींचती। चारों तरफ आप इस तरह नॉट लगा कर तो डालेंगे तो इतनी अच्छी बेडशीट सेट होती है बेड के ऊपर, जितना भी हैवी गद्दा हो आराम से एक बंदा ईजीली बेड के ऊपर ये चादर चढ़ा सकता है, और इतनी अच्छी भी रहती है और बहुत ही प्यारी सेट हो जाती है। बाकी ये है कि पिलोज़ वगैरह इसके जो हैं वो एक ही तरह मैं रखती हूँ क्योंकि उसको यही सेटिंग ज़्यादा पसंद है। तो चलें इसका रूम सेट करते हैं, तो आप वीडियो एंजॉय करें। उसका स्टडी टेबल है और कुछ उसकी कलेक्शन है गाड़ियों की जो बहुत ही उसे प्यारी हैं, और उसकी रात ही इसकी डस्टिंग की थी, ये बिल्कुल साफ़ है। तो बाकी ये जो चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से रखता है और सेट कर, माशाल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन ये कमरा हो गया। बस अभी हाउस हेल्पर आएगी, वो फिर फ्लोर की क्लीनिंग कर देगी। और अभी चलते हैं, हमारे फैमिली टर्म्स में एक फंक्शन है, मतलब डिनर की दावत है, उनकी कोई खुशी है, तो उसके लिए अभी हम जा रहे हैं फूल वगैरह लेने के लिए और मिठाई। तो चलिए आप भी मेरे साथ चलें, देखते हैं हमें कौन सा बुके पसंद आता है। और मिठाई तो एक बहुत अच्छी है जो हम सबकी फेवरेट है, वहीं से ही फिर मैं मिठाई लूँगी, लेकिन बुके देखते हैं हमें कौन सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत शोर आ रहा था इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी, तो ट्रैफिक का बहुत शोर था। तो चलिए अभी चलते हैं, आप भी हमारे साथ चलें, तो बुके लेने के लिए चलते हैं।
यहाँ पर मैं देख रही थी, बहुत ही प्यारे प्यारे बुके थे। ये वाला भी मुझे बहुत प्यारा लगा था, लेकिन इसमें हनी बीन्स ज़्यादा थी, पता नहीं फूलों पे आ जाती हैं तो मुझे उनसे थोड़ा डर लगा, तो मैंने वो फिर छोड़ के, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। ये भी दो बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन ये मैं उनको दिखा रही थी कि इसके अंदर और फ्लावर लग सकते हैं, तो कह रहे थे नहीं ये इस तरह बना हुआ है, तो फिर वो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि उसमें हनी बीन्स ज़्यादा थी। ये बहुत मुझे प्यारा लगा, एक मैंने ये फ़ाइनल किया, बेटा साथ था मेरे और उसको भी यही ज़्यादा पसंद आया। और एक हमने टोकरी ली थी फ्लावर्स की बनी, वो तो बहुत ही फ्रेश और उसी टाइम उन्होंने बनाई थी, तो ये दोनों मुझे इतने प्यारे लगे। देखिए आप लोगों को भी अच्छे लगे ना, तो ये फिर मैंने ले लिए थे। तो अब चले ये वाला तो काम हो गया, अब मिठाई की तरफ चलते हैं, तो मिठाई भी लेते हैं। ये देखिए मेरे सिंपल से डिनर के हिसाब से मैंने कपड़े कैरी किए हैं, सिंपल से क्योंकि सिंपल डिनर है। वैसे ही उन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन नहीं किया, बस ऐसे ही अपनी छोटी सी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस हिसाब से बिल्कुल मेरे कपड़े सेट हैं। तो बस अभी हम निकलने के लिए रेडी हैं। बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग की एंडिंग करूंगी, बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।